पंजाब के साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजवाना की रहम अपील से अज सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई हुई है तो अदालत के वलों रहम अपील से फैसला सुरक्षित रख लिया गया। दस दिए कि इस रहम अपील से सुप्रीम कोर्ट के वलों सुनवाई करने के लिए तैयारी उस तैयार हो गई थी। इस तो पहले जो तो अदालत के बलवंत सिंह राजवाना के वकील के वलों रहम अपील पाई गई थी तो उस बाद अज जो सुनवाई हुई है तो इस सुनवाई से फैसला अदालत के वलों सुरक्षित रख लिया गया। दस दिए कि बलवंत सिंह के वकील के वलों सुप्रीम कोर्ट के विच उन्हां दी मौत की सज़ा को घट करन दे लई ए रहम अपील पाई गई सी जिससे अज सुनवाई हुई सी ते अदालत के वलों इस कार्रवाई दौरान जो फैसला है उसनों सुरक्षित रख लिया है। ज़रा गलबात साडे नाल फोन लाइन से मौजूद ने पत्रकार अजय झा। अजय, आज सुप्रीम कोर्ट में बलवंत सिंह राजवाना की जो रहम अपील पर सुनवाई हुई, क्या कुछ रहा अदालती कार्रवाई में, क्या क्या दलीलें इस दौरान दोनों पक्ष के वकीलों की तरफ से पेश की गई? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड में शामिल और कन्विक्टेड बलवंत सिंह राजवाना के मर्सी पेटिशन पे, जिसमें उसने रहम की अपील की थी कि वो अपनी सजा पूरी कर चुका है और उसको अब रिहा कर दिया जाए, उस पूरे मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया है। यानी दोनों पक्षों की दलील सुन ली है, आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं और उस आर्ग्यूमेंट्स में जो निकल के आया है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पूरा मामला 1995 का है और 2007 में पहली बार बलवंत सिंह राजवाना को डेथ सेंटेंस मिला था। उसके बाद फिर 2010 में हाई कोर्ट के द्वारा मिला, 27 साल की सजा वो पूरी कर चुका है और 2012 में उसने मर्सी पिटीशन फाइल की थी कि अब उसे रिहा कर दिया जाए, जब उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी फांसी की सजा को आजीवन कारावास की सजा में तब्दील कर दिया गया था। आज उसी को आधार बनाते हुए मुकुल रोहतगी की तरफ से ये दलील दी गई कि बार बार जो स्टेट है जो ये डिले कर रहा है, जो डिले टैक्टिक्स कर रहा है, वो ये कह के कर रहा है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और पंजाब बॉर्डर स्टेट होने की वजह से एक सेंसिटिव मामला है ये, और अगर इनको रिहा कर दिया जाता है तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उसको आधार नहीं बनाने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट से। और साथ ही जो बलवंत सिंह राजवाना के साथ इसमें को अक्यूज थे, जो एक सह अभियुक्त थे जगतार सिंह हवारा, उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल नहीं किया, तो दूसरे पक्ष की तरफ से दलील ये दी गई कि क्योंकि एक ही मामला है और सेम मामले में दोनों ही पक्षों की तरफ से, दोनों ही अभियुक्तों की तरफ से जब मर्सी पिटीशन फाइल किया जाए तभी फैसला होना चाहिए। बलवंत सिंह राजवाना के वकील ने ये दलील दी कि अगर कोई किसी मामले में दो लोग सजा याफ्ता हैं और एक व्यक्ति जो सजा याफ्ता है वो अपनी मर्सी पिटीशन नहीं फाइल करता है और बलवंत सिंह राजवाना मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं, तो दोनों को एक साथ क्लब करके यानी एक साथ मिलाकर नहीं देखना चाहिए। तो ये तमाम दलीलें हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट में, और लेकिन सबसे जो मजबूत पक्ष है वो ये रखा गया कि 27 साल की सजा पूरी करने के बाद और 96 साल की उम्र बताई जा रही है कि इस उम्र में ऐसे व्यक्ति को जानबूझ के जेल के अंदर रखना ये सही बात नहीं है, ये आर्ग्यूमेंट्स में सामने आया है। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जो माननीय न्यायाधीश है वो क्या फैसला करते हैं। जी जी, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया अजय। सो बलवंत सिंह राजवाना की जो मर्सी पिटीशन है, जो रहम की अपील तहत सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई हुई है तो उससे फैसला सुरक्षित रख लिया गया अदालत के वलों, तो आने वाले समय के ये भी सामने आ जाएगा कि अगली जो सुनवाई है वो किस वेले होगी। पर फिलहाल इस वेले की यह वड्डी खबर है कि बलवंत सिंह राजवाना जो कि पंजाब के साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्याकांड के दोषी ने, तो उन्होंने अज जो रहम अपील से सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई हुई सी उससे फैसला सुरक्षित रख लिया गया। दस दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के दोषी बलवंत सिंह राजवाना की उस अर्जी से फैसला सुरक्षित रखा जिससे उसकी दया अर्जी से यानी कि रहम की अपील से विचार के देरी के लिए मौत की सज़ा को घट करने की मांग की गई थी। दस दिए कि पटियाला जेल के इस वेले बंद है बलवंत सिंह राजवाना, तो 31 अगस्त 1995 में पंजाब के साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया से, राजवाना 1 अगस्त 2007 में चंडीगढ़ की एक विशेष CBI अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी। सो अज रहम की अपील से क्योंकि जो मौत की सज़ा नूं पहला कारावा उम्र कैद दे विच बदल दिता गया से, ते बाद दे विच हुण इस ते रहम की अपील की जो पटीशन पाई गई सो सुनवाई हुई सी ते अज उससे सुप्रीम कोर्ट के वलों फैसला सुरक्षित रख लिया गया।